बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे शुगर के मरीज़ होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात एहतियात के बावजूद भी जो है वो उनको ज़ख़म हो जाते हैं। तो इसे शुगर का अल्सर और गैंग्रीन भी कहते हैं। जिस जगह ये ज़ख़म हो जाए तो उस जगह या उस हिस्से को डॉक्टर काटने का मशवरा देते हैं ताकि वो आगे जिस्म तक मज़ीद ना फैले। तो उसके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ जो बहुत ही आजमूदा है। नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए तिल का तेल 100 ग्राम और नीम के ताज़ा पत्ते पिसे हुए चाहिए 4 खाने के चम्मच। किस तरह बनाना है इसको, नीम के ताज़ा पत्ते लेकर उनको धोकर अच्छी तरह उन्हें खुश कर लें और फिर उन्हें पीस लें। इतने नीम के पत्ते लेने हैं कि वो 4 खाने के चम्मच बन जाए। फिर आपने क्या करना है, तिल के तेल में उन नीम के पत्तों का पेस्ट डालकर हल्की आँच पर इतना ज़्यादा पकाना है कि वो नीम के पत्ते जल जाएँ। फिर ये तेल आपने कॉटन की मदद से ज़ख्मों पर लगाना और बैंडेज कर दें। दिन में एक दफ़ा लगाएं और 1 हफ्ते के अंदर आराम आना शुरू हो जाएगा। और इसको सदका जारिया समझकर उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको बहुत ज़्यादा शुगर के दौरान जो है वो ज़ख्म होते हैं, यानी गैंग्रीन और अल्सर का मसला होता है। उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा।